रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंटरटेनमेंट की वीडियोस तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसके साथ साथ मेरा आपके साथ यहाँ आने का और आप लोगों के साथ इस चैनल पर रहने का एक मेन जो रीज़न है वो ये है कि आई कैन शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंसिस विद यू। जो सक्सेस मैंने हासिल की जिन एक्सपीरियंसिस की वजह से, दैट कैन बी यूज़फुल फॉर यू, और जिन एक्सपीरियंसिस की वजह से या जिन चीज़ों की वजह से आई हैव एक्सपीरियंस द लॉसेस, तो उनसे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। आप में से बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि आर यू द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। येस, आई एम द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ये रेड फ्लैग्स मैंने ही ऑब्जर्व किए और उनको निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, और रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता। मोस्टली द पीपल कैन यू नो शेयर विद यू द सक्सेस स्टोरीज ऑफ देयर लाइफ कि उन्होंने क्या ठीक किया तो उनको ये सक्सेस मिली। बट कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस जो गलत गए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि हमने ये ट्रैक चूज किया या और ये चॉइसेस हमारी गलत रहीं, वजह से हमने नुकसान देखा। शादी से पहले कोई मैरिज काउंसलिंग का रिवाज कहीं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है इन समवन्स लाइफ, और इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे, हमारे करियर पे, हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी इमोशनल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे होता है। जब भी कोई शादी होने जा रही होती है खानदान में, या लड़का लड़की अगर आपस में भी लव मैरिज कर रहे हैं, तो बेसिक मेजर्स हैं वो देखे जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन लेवल, और ये कि आपका सोशल कंपैटिबिलिटी कैसी है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशल फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी इज वेरी मच नीडेड, बट इसके अलावा जो मैं बात करने लगी हूँ आज, वो हैं मेन थ्री रेड फ्लैग्स जो हर लड़की को और लड़कों को भी शादी से पहले उस बंदे में जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हैं वो ज़रूर देखने चाहिए। सबसे पहले आपको जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो है उस बंदे की बैलेंस्ड पर्सनालिटी। प्लीज़ फोकस ऑन द वर्ड बैलेंस्ड। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड परफेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू सी हाउ पर्सन रिएक्ट इफ़ द सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल, और अगर वो उसके मिजाज के खिलाफ है। बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान की नेचर जानने के, तभी मुमकिन है। मैं यहाँ पर क्लियर करती जाऊँ, जब आप शादी से पहले कुछ अरसा उस आदमी को जानेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके साथ डेट्स पे जाएं, आजकल तो डेट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, और लेकिन आप उसकी फैमिली के साथ जो है वो फैमिली गेट टुगेदर्स में हो, आपकी फैमिली हो, वहाँ पर आप ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा सिचुएशंस होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा कभी ना कभी पॉप आउट हो ही जाता है जिससे आपको एक किसी की पर्सनालिटी की स्ट्रीक जो होती है वो विजिबल और क्लियर हो जाती है। मंगनी के कुछ अरसे बाद शादी को डिसाइड करें। लड़कियों को लिए ही समझा जाता रहा है आज तक कि जी लड़की के अंदर बड़ा सब्र बर्दाश्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको लड़के के अंदर भी देखना है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करता है। बहुत से लोग होते हैं जो अपने लेवल के लोगों के साथ ना सोशल सर्कल में बड़े कंसिडर किए जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े ही जी वेल मैनर्ड हैं, बहुत ही जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या अपने वर्कर्स के साथ या अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, यानी कि जो मेड्स या जो बेचारा उनका डोमेस्टिक स्टाफ होता है, उनके साथ नहायत ही रूड होते हैं, उनके साथ उनका रवैया बहुत बदतमीज़ाना होता है। मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है, वो उन पे हाथ भी उठा लेते हैं। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करके, यानी कि अगर आप उनके साथ किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, या किसी जगह आप रेस्टोरेंट जाते हुए ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हो गया है, एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी ने आके साइकिल मार दी उसके अंदर, या कोई रिक्शा वाला लग गया, यू नीड टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन।
अगर तो वो एकदम से वॉलेटाइल होता है, एकदम से गुस्सा करता है, और जैसे ही वो देखता है कि कोई बंदा उससे वीयर है या वीकर लेवल पर है और वो उसके ऊपर बिल्कुल यू नो लीप कर वापस ही बाहर हो जाता है, दिस इज द मेन रेड फ्लैग फॉर यू. बिकॉज आज तो वो आपके साथ बड़ा जेंटल होगा, बड़ा ही कंपैशनेट होगा, बड़ा ही आपके साथ वेल मैनर्ड होगा, लेकिन द मोमेंट ही विल गेट द ग्रिप ऑन यू और आप जैसे ही उसके यू नो हिसार में आ जाएंगे, उसके निकाह में आ जाएंगे, और जहाँ पर आप क्या लेवल उसके मतलब डिपेंडेंट का लेवल आया, वहाँ पर वो आपके साथ उसी तरीके से ट्रीट करेगा. तो उस बंदे में इतना पेशेंस है कि वो उस वक्त उस सिचुएशन को बड़े ही कूल माइंडेडली और एक तहजीब के दायरे में रहते हुए हैंडल करता है, एथिकल बॉर्डर लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं करता है, देन यू शुड मैरी दैट पर्सन. सेकेंड रेड फ्लैग टू चेक के आया इस बंदे की पर्सनैलिटी बैलेंस है या नहीं है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हाउ ही इज ट्रीटिंग हिज रिलेशनशिप्स. वो रिलेशनशिप्स जो उसके साथ सालों से हैं, वो रिलेशनशिप्स जो उसके पेरेंट्स के साथ है, वो रिलेशनशिप जो उसका अपने सिबलिंग्स के साथ है, और वो रिलेशनशिप जो उसका अपने टीचर्स के साथ है. हज़रत अली का कॉल है कि जो इंसान अपने माँ बाप की या उस्ताद की इज्जत नहीं करता, वो बिल्कुल भी अच्छी शख्सियत का मालिक नहीं. होता ही है कि जब लड़के किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो लड़कियों का सिंपथेटिक वोट लेने के लिए और उनको अपने साथ इमोशनली अटैच करने के लिए वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जैसे उनका तो बचपन जो है वो बहुत ही बर्बाद था, उनके माँ बाप ने उनको बिल्कुल केयर नहीं की और उनके माँ बाप दुनिया के नहायत ही बुरे लोग हैं. पर वो अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली वो लड़के ख़ास तौर पे जो अपनी माँओं के लिए बहुत बुरा बोलते हैं, ख़ास कभी कभी उनको गालियाँ भी देते हैं और ये बोलते हैं हमारी माएँ बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी, उस इंसान से तो कभी शादी मत कीजिए. कुछ केसेस जेन्युइन होते हैं एज आई एम सेइंग, जहाँ पे वाकई में कुछ हुआ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता. बहुत सी जगहों पे हमारे जो वालिद वाकई में कहीं जगहों पे रिजिड हो जाते हैं, कुछ उनके डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जो बच्चे के लिए बहुत मुखलिस है. अल्लाह सुबहान व तआला ने भी अगर अपनी मोहब्बत की मिसाल या अपनी मोहब्बत का कंपेरिजन किया तो वो माँ की मोहब्बत से किया है, बाप की मोहब्बत से नहीं किया. तो आप ये सोच सकते हैं कि वो मोहब्बत कितनी जेन्युइन होगी. वो औरत किसी के लिए भी बुरी हो सकती है, वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर सकती है, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए बुरी नहीं हो सकती है. और अगर एक बेटा ये चीज़ समझता है कि उसकी माँ गलत है या उसकी माँ बुरी एक औरत है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में किसी औरत को इज़्ज़त नहीं दे सकता और कभी नहीं देगा. फॉर द टाइम बींग, फॉर टेकिंग यू इन हिज लाइफ, वो आपके साथ बड़ा रिस्पेक्टफुल होगा, आपको अपने बाकी रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी भी दे सकता है, आपको ये भी कह सकता है मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप सबको छोड़ सकता हूँ. और कई लोग शादी के बाद अपनी माओं को छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो बहुत टेम्प्ररी होता है. दैट इज़ द बिगेस्ट फ्लॉ इन देयर पर्सनैलिटी. क्योंकि अगर वो अपनी पैदा करने वाली माँ को, जिसने उसको बीमारी में देखा, उसके साथ उसका ख्याल रखा, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा, आज उसको इस काबिल बनाया कि वो एक लड़की को अप्रोच करता है और वो लड़की उसको एक्सेप्ट कर, अगर उसको अपनी माँ गलत लगती है तो उसको वो लड़की भी गलत लगेगी. क्योंकि उस औरत के साथ अगर वो कभी लॉयल नहीं हुआ इतने सालों में, 25-30 साल की उम्र में, तो आपके साथ जो वो आज मिला है उसकी लॉयल्टी कहीं पे भी कोई कंसिडर नहीं की जा सकती. क्योंकि कभी भी कुछ भी होगा आपके साथ, अगर उसका लाइफ में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा होगा, और जो कि होगा, कोई भी बिल्कुल 100% गुडी गुडी लाइफ नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं पार्टनर्स के अंदर, स्पाउस के अंदर. तो उसको आदत पड़ी हुई है दूसरे को ब्लेम करने की, और जब वो अपने सबसे मोस्ट जेन्युइन रिश्ते को ब्लेम कर सकता है ना, तो माय डियर गर्ल, वो आपको ब्लेम करने से दो मर्तबा भी नहीं सोचेगा.
और यही रीज़न है कि शादी के बाद बहुत से मर्द अपनी बीवियों की बुराइयां दूसरी लड़कियों से जाके करते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है, वो पहले अपनी माओं की बुराइयां भी करते रहते हैं ना, उनको अपनी माओं से भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब वो बीवी उनके घर में आ जाती है और उनको फिर उससे भी प्रॉब्लम होने लग जाती है, फिर वो सिंपथी लेने के लिए किसी और बाहर की औरत के पास जाते हैं और कहते हैं हमारी बीवी तो बड़ी फारिग है, बड़ी ख़राब है, इससे ज़्यादा बुरी तो औरत नहीं है, इसने तो मेरी ज़िंदगी अजाब करती है। इसके साथ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि कुछ लड़के ऐसे भी इतना अंडर इन्फ्लुएंस हो अपनी वालदा के या वालिद के कि उसको सही गलत की पहचान ही ना रहे। मीन्स कि अगर उसकी वालदा उसकी बीवी के साथ कोई जुल्म कर रही हैं या कुछ अनफेयर हो रही हैं तो वो बिल्कुल मतलब आंखें बंद करके बैठ जाए और कि जी जो मेरी वालदा कह रही हैं या जो मेरे वालिद कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है भाई। ये भी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नहीं है, जहाँ पर मर्द ये कहता है कि मैं बरतर हूँ औरत से और जहाँ पर उसको सुपीरियर टैग लेने का शौक है, तो फिर उसका ये काम है कि वो तमाम रिश्तों के अंदर बैलेंस क्रिएट करे, अपनी वालिदा की जो ब्रैकेट है और उनकी जो डोमेन है उसको ट्रेसपास ना होने दे, और ना ही बीवी की जो डोमेन है और उसकी ब्रैकेट है उसमें वालिदा को ट्रेसपास होने दे। तो दिस मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर, अदरवाइज बहुत सी लड़कियाँ बेचारी जो हैं वो ये भी सफ़र करती हैं कि उनके जो शौहर होते हैं वो इतने ताबेदार हो जाते हैं कि उस ताबेदारी में वो ये भूल ही जाते हैं कि उनकी बीवी के भी कुछ हकूक हैं और वो हकूक उनको पूरे करने हैं। इसके साथ साथ जो मैंने टीचर्स का जिक्र किया, आप ज़रूर उस बंदे से बात कीजिए और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कीजिए कि हाउ ही फील्स अबाउट दोज पीपल उसको एजुकेट कर चुके हैं। अगर वो अपने उस्तादिजा की इज्जत नहीं करते जिनकी वजह से आज वो उस मुकाम पर है, उसको तालीम दी जिसकी वजह से वो नौकरी कर रहा है और सारी ज़िंदगी जिनकी वजह से वो अपनी सैलरी हर महीने लेगा, अगर वो उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो आई एम सॉरी गर्ल, ही विल नेवर रिस्पेक्ट यू। नाउ कम टू द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग। तमाम चीज़ें उसकी बैलेंस पर्सनैलिटी को जज करने के लिए और चेक करने के लिए मैंने आपको बताई हैं, काम बेस करते हैं कि हाउ वेल ही इज कनेक्टेड टू अल्लाह सुभान। यहाँ पे कोई इस्लामी दर्स नहीं दे रही, मैं ये नहीं कह रही कि उसको मौलवी होना चाहिए, उसकी दाढ़ी होनी चाहिए, वो सुन्नत पे अमल कर रहा होना चाहिए, नहीं। ये लॉजिकल रीज़न से आपको ये बात बताने वाली हूँ कि देखें, आप कितने भी ऑर्थोडॉक्स हैं या कितने भी आप लिबरल माइंडेड हैं, आप हैं मुसलमान। जब आप पैदा हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग विद कलमा तैयबा और वो जो अजान पहली आपकी कान में पड़ी थी उससे आपका वो एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। अब आप कितने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, दैट इज़ समथिंग एल्स। और अगर आपको ये तमाम चीज़ें चेक करने का जो मैंने अभी आपको बताई मौका नहीं मिलता, तो प्लीज़ एक सिंपल चीज़ देखिए या उससे बात कीजिए या उसको डिफरेंट सेशंस में लोगों के साथ बात करता हुआ देखिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लीजिए कि उसको अल्लाह ताला का कितना डर है। अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला का खौफ हो तो वो बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में खुद ब खुद ठीक कर लेता है। देखें, अगर उसको अल्लाह ताला का खौफ है, उनकी नाराज़गी से अगर वो डरता है, तो सबसे पहले तो वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करेगा। उसके बाद उसको होगा कि मुझे किसी औरत के साथ ज़्यादती नहीं करनी क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। उसको हकूकुल इबाद का बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उसको दीन इस्लाम के बारे में बहुत ज़बरदस्त नोहा होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है वो होना लाजिम है क्योंकि हम सब मुसलमान हैं। अगर किसी को ये बेसिक नॉलेज भी नहीं है और अगर वो उन बेसिक फंडामेंटल्स के साथ भी एग्री नहीं करता और उनको फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो ही इज़ नॉट अ अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर यू। हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और जिस तरह से उनका लाइफस्टाइल रहा है, वो हमारे लिए एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है। अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको नेकी के
दायरे में उसको जज करना है, नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम सब ने न्यूटन का लॉ पढ़ा हुआ है ना, ग्रेविटेशनल लॉ को आप जानते हैं, एप्पल जो है वो ज़मीन पे गिरा और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ज़मीन पे आया, कशिश सकल जिसको कहा जाता है उर्दू में। तो वो एक यूनिवर्सल लॉ है, एवरीबडी एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड विल एग्री टू दैट, ठीक है, वो एक्सटेंडेड लॉ है। तो उसी तरीके से मैं आपको ये बोल रही हूँ कि द यूनिवर्सली इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम्स, बाय द नॉन मुस्लिम, बाय द जूश, बाय द क्रिश्चियंस, बाय एवरी वन, कि इस दुनिया में अगर कोई बेस्ट ह्यूमन आया है तो उसमें कोई फ्लॉ नहीं, कोई भी मज़हब निकाल सका, तो वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक। उसको अपनी बेस बना लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। पर हिजाब कर लेना या दाढ़ियाँ रख लेना ये एक आला दर्जे की बात है, मैं बेसिक लेवल की बात कर रही हूँ। जिस तरह से कैनेडा में उमर लॉ जो है वो एक्सेप्टेड है और इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, वो मुसलमान नहीं है, वो उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे, उसको लॉजिकली फॉलो कर रहे। चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि इफ़ यू डोंट ट्रस्ट द रिलीजियस फैक्टर ऑफ इस्लाम, इफ यू डोंट, यू आर नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन व्हेन यू आर चूजिंग अ पर्सन, तो इन लॉज को एज अ यूनिवर्सल लॉज के तौर पे ही यूज़ कर लीजिए। क्योंकि हमारे पास जो एच काउंसलिंग रूल्स हैं वो बेस्ट तो एक परफेक्ट ह्यूमन से ही आ सकते हैं ना, तो वो यूनिवर्सली एंड यूनानिमसली पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड एज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर केम ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो उन रूल्स को उस तरह से अपना लीजिए जिस तरीके से कनाडा में उमर लॉ को इम्प्लीमेंट किया। अगर आप इन तीन रेड फ्लैग्स को लड़का हो या लड़की हो कंसिडर करेंगे तो आपके लिए एक बैलेंस्ड पर्सन अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करना आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और शाफिन को प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।